Hello dear students, today we will start part 2 of chapter 1 history. So the topic is new social and political groups. In this chapter we already learned how the changes in the 1000 year means 700 se leke 1750 tak ye jo 1000 year hai usme kya kya changes hue hain uske bare mein hum already study kar chuke hain. उसमें और भी चीज़ें हैं, और भी टॉपिक्स हैं जिन पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स? मीन सोशल ग्रुप्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन लिव इन अ सोसाइटी, एंड पॉलिटिकल जो रूलर्स होते थे उनका ग्रुप, मीन्स जो राज्य पर राजा होते थे, किंग्स होते थे, वो उनका कहाँ तक उनका राज्य था, वो सारी चीज़ें. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द स्टडी. द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750 इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस, लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स दे आर ऑकर्ड ओवर द पीरियड. मीन्स इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए डेवलपमेंट्स को लेकर. जो हम चेंजेस देख सकते हैं वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मतलब ह्यूज चैलेंजेस, बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस जो कि चेंज हुए हैं. मींस चेंज, जैसे हम बोलते हैं ना डेवलपमेंट कैसे कि पहले किसी और तरीके से उन चीज़ों को यूज़ करते थे, फिर थोड़ा सा डेवलप होके उन चीज़ों को मॉडिफाई करके हम यूज़ करने लगे. एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज़ मेड देयर अपीयरेंस लाइक द पर्सियन. मीन्स इस टाइम में नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होने लगा था, जैसे कि पर्सियन व्हील इन इरीगेशन. इरीगेशन में वो पर्सियन व्हील का यूज़ करने लगे थे. इरीगेशन क्या होता है? हम एग्रीकल्चर में जो सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं वो इरीगेशन कहलाता है, पानी यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए वो टेक्निक यूज़ करने लगे थे. कौन सा? पर्सियन व्हील यूज़ करने लगे थे, जिसका पिक्चर भी आपको यहाँ पे ये नीचे दिया हुआ है. ये जो व्हील है वो पर्सियन व्हील है. ओके, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग. वीविंग मतलब बुनाई करने के लिए वो स्पिनिंग व्हील का यूज़ करने लगे. फायर आर्म इन कॉम्बैट. फायर आर्म इन कॉम्बैट मतलब युद्ध में जो फायर आर्म यूज़ होते थे, जैसे बॉम्ब वगैरह, वो सारी चीज़ों का यूज़ करने लगे थे. मीन्स ये डेवलपमेंट बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई और डेवलप हुई. न्यू फूड्स एंड ब्रेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी. मीन्स खाने की चीज़ों में भी अगर हम देखें तो पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी, मीन्स एग्रीकल्चर भी डेवलप हो गई थी और ये सारी चीज़ों का यूज़ होने लगा था. रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल who brought their ideas with them as well. Means लोगों के साथ साथ क्या था कि जैसे लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं या एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, तो लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें, उनकी टेक्नोलॉजीज भी यहाँ से वहाँ जो चेंज होती रहती थी. कि अगर जैसे साउथ के लोग हैं वो अगर नॉर्थ साइड में गए तो वो वहाँ की टेक्नोलॉजी को नॉर्थ में यूज़ करने लगे, तो लोगों के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी भी उनके साथ साथ प्लेस के साथ में चेंज हुई. एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. तो ये सारे जो चेंजेस थे वो सारी तरीके से हमें देखने के लिए मिले. इकोनॉमिक मीन्स मनी से रिलेटेड, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, कल्चरल मीन्स पहनना खाना, वो सारी चीज़ें. तो इसके बारे में और डीपली हम लर्न करेंगे वो चैप्टर 5, 6 और 7 में रीड करेंगे. Now this was also a period of great mobility. Great mobility means जिसमें dramatically जो changes होते हैं, means बहुत ज़्यादा changes होते हैं, उसको हम mobility बोलते हैं. तो ये एक time period था जब बहुत सारे changes हुए. Group of people traveling long distance in search of opportunity. लोग एक जगह से दूसरी जगह travel करने लगे opportunity के लिए. The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to crave a fortune. लोगों के अंदर वो चीज़ होने लगी कि वेल्थ मतलब मनी कमाने के लिए वो अपने भाग्य को आजमाने लगे. फॉर्चून मतलब भाग्य, उसको आजमाने लगे. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत. अ नेम ड्राइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, द सन ऑफ अ रूलर. मीन्स उस टाइम पर एक जो ग्रुप था वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ. कौन सा ग्रुप था वो? राजपूत. राजपूत किन को बोलते हैं? जो राजपुत्र होते हैं. राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, द सन ऑफ रूलर. तो यहाँ पर वही बताया है. बिटवीन द 8th and 14th century the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. और धीरे धीरे ये वर्ड इतना पॉपुलर हो गए कि जो क्षत्रिय कास्ट थी वो भी इसको क्लेम करने लगी, मतलब वो भी राजपूत के जैसे
ट्रीट करने लगे। और भी इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो टर्म है वो उसमें और कौन कौन लोग इंक्लूड होते थे, जो हम नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं। नॉट जस्ट रूलर एंड चीफियंस बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर हु सर्व इन द आर्मीज टू डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। मीन्स इंडिया में सबकॉन्टिनेंट का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडिया के लिए यूज़ किया गया है ये वर्ड। तो इंडिया में जितने भी रूलर्स होते थे, जितने भी लीडर्स होते थे, चीफियंस मीन्स लीडर्स, सोल्जर्स जो भी थे, जो भी आर्मी में आर्मी का पार्ट थे, तो वो सारे लोग थे वो एज ए राजपूत ही वर्ड यूज़ करने लगे थे। शैवलिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलोर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूट टू राजपूत्स बाय देयर पोइट्स एंड बार्ड्स। मीन्स पोइट्स भी जो थे ना उस टाइम के, वो भी उनकी जो विनिंग जो गाथाएं होती थी, मीन्स वो पोइट जो भी पोइट्री लिखते थे, जो भी लिखते थे वो भी उनके प्रेज में लिखते थे, मतलब कि उनकी विनिंग हुई, ये हुआ, वो सारी चीज़ें राजपूतों के उसमें ही वो लिखते थे। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स सच एज मराठा, सिख, जाट, ओम्स एंड छत्री एंड कायस्थ, ये सारी जो कास्ट थी वो भी ग्रुप ऑफ पीपल्स थे। दे ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज ऑफ बिकम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट, और पॉलिटिकली ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते थे उस टाइम पर। कौन कौन से लोग थे वो? मराठा, सिख, जाट, ओम्स, कास्ट, ये सारी जो कास्ट और स्क्राइब्स थी वो भी इसको यूज़ करने लगे थे। सो आगे के उसमें हम रीड करेंगे पैराग्राफ में, थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर, चेंज इन द हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। मीन्स इस टाइम पर और क्या होने लगा था कि जंगल की बहुत कटाई होने लगी थी, फॉरेस्ट को कैसे यूज़ करने लगे थे, एग्रीकल्चर लैंड के जैसे, तो फॉरेस्ट के जितने भी ट्रीज थे उनको कट करने लगे और उस लैंड को एग्रीकल्चर के जैसे यूज़ करने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, हैबिटेट मीन्स हम हाउस बोल सकते हैं कि जो जंगल में जैसे लोग रह रहे हैं तो उनका हैबिटेट क्या हुआ, जंगल में जिनका जो घर है, तो फॉरेस्ट के जो ड्वेलर थे वो माइग्रेट करने लगे थे। माइग्रेट का मीनिंग है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो रहने जाने लगे। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट, और अदर लोग क्या करने लगे, वहाँ पर एग्रीकल्चर करने लगे। टिलिंग मतलब कि उसको डिग करके एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर करना, पीजेंट मतलब किसान, किसान लोग क्या करने लगे, उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए रेडी करने लगे। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चेफ्टियंस, प्रिसेस्ट, मॉन्स्ट्रीज एंड टेम्पल, और धीरे धीरे ये इतने पॉपुलर होने लगे कि जो भी मार्केट में जितने भी चीफ होते थे, मीन्स लीडर होते थे, प्रिसेस्ट मतलब पुजारी होते थे, टेम्पल, ये सब में इनको धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लगे, तो इनको मतलब बहुत ज़्यादा महत्व मिलने लगा, ये हम बोल सकते हैं। दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स। सो वो क्या करते थे कि सोसाइटी में अपने आप को बड़ा पार्ट देने के लिए, मीन्स अपने आप को लार्ज स्केल पर बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे कि टैक्स रिक्वायर होता था, वो टैक्स देते थे गुड्स और सर्विसेज पर, लोकल लॉर्ड्स मतलब कि जो वहाँ का लोकल का मालिक है वो। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस इमर्ज अमंगस्ट पीजेंट। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि किसानों में आपस में भी इकोनॉमिक और सोशल ग्रुप्स डिवाइड होने लगे उनके उसके अकॉर्डिंग, कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, मीन्स कौन रिच है और कौन पुअर है उसके अकॉर्डिंग। सम पजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर ऑल्सो केप्ट कैटल एंड सम कम्बाइंड आर्टिशनल वर्क विथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। मीन्स इसके साथ में क्या था, जो पीजेंट थे वो अदर वर्क भी करते थे, जैसे कैटलिंग करना मतलब पशुओं को पालना, एनिमल्स को रखना, अदर जो उनका आर्ट वर्क है वो भी कर सकते थे एग्रीकल्चर के साथ में। एज सोसाइटी बिकम मोर Differentiated people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their background and their occupation. और धीरे धीरे क्या होने लगा कि लोगों की ग्रुप बनने लगे और वो जाति और सब जिनको हम सबकास्ट भी बोलते हैं उसके आधार पर और उनके बैकग्राउंड के आधार पर, उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर उनको जातियों में डिवाइड करने लगे। To the power influence the resources controlled by member of jati, और धीरे धीरे क्या हुआ कि कंट्रोल करने के लिए जाति में कुछ मेंबर होते थे जिनके पास पावर होती थी रूल्स और रेगुलेशंस के लिए। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और धीरे धीरे क्या था कि जो जातियाँ थी वो अलग अलग होने लगी एरिया टू एरिया, मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग जातियाँ होने लगी।
जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स. धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जातियों में के अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन बनाने लगे और लोगों को कंडक्ट करने लगे, जोड़ने लगे अपने आप से. मीन्स कि किसी भी जाति के कुछ एल्डर लोग हैं वो असेंबली के मेन हेड होते थे और वो जाति पंचायत बना लेते थे. जाति पंचायत में क्या होता था कि वो विलेज के लिए कुछ रूल बना देते थे कि विलेजर्स को वो सारे रूल्स फॉलो करने हैं. ये आपको इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि लीडर बना दिया और वो जो रूल्स बनाएगा वही सारे गाँव को फॉलो करने होंगे. नाउ इन नेक्स्ट पेज वी कैन सी रीजन एंड एम्पायर. रीजन एंड एम्पायर का मीनिंग क्या है? रीजन मीन्स प्लेस एंड एम्पायर मीन्स उनका राज्य. मतलब जैसे अगर हम स्टेट की बात करें तो अलग अलग स्टेट और कहाँ तक उनका राज्य होता था. जैसे कि जो रूलर्स होते हैं उनका एक रीज़न है, रीज़न मतलब उनकी एक प्लेस है, वहाँ पर तो वो रूलर हैं ही. उसके अलावा वो धीरे धीरे और भी जगह रूलर बन जाते हैं, मतलब वो और भी जगह अपना राज्य एम्पायर फैला लेते हैं, अपना राज्य फैला लेते हैं. जैसे कि लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोलास चैप्टर 2, तुगलक्स चैप्टर 3 एंड मुगल्स चैप्टर 4. ये सारे जो हैं चोलास, तुगल, मुगल, ये सब डायनेस्टी हैं. यो मतलब जिनके वंश होते हैं ना, कि उनके फादर, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, उनका ही वो ही रूलर बन के रहते हैं. तो उनको यहाँ पर डायनेस्टी वर्ड भी आगे आपके लिए आएगा, वो यूज़ करते हैं. सो एनकम्पोज्ड मैनी रीजन्स. इन्होंने क्या है, बहुत सारे रीजन्स पर अपना राज्य बना के रखा था. संस्कृत प्रशिष्टि. प्रशिष्टि मीन्स कि प्रेज में जो वर्ड्स यूज होते हैं, तो संस्कृत में प्रेज वर्ड जो है उसको प्रशिष्टि बोला जाता है, जो कि हम चैप्टर 2 में एग्जाम्पल के रूप में भी देखेंगे. प्रेजिंग द डेली सुल्तान घियासुद्दीन बलवन. तो यहाँ पर एक जो दिल्ली का सुल्तान है घियासुद्दीन बलवन, उनकी प्रेजिंग में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि उनका वो जो रूलर थे घियासुद्दीन बलवन, उनका बहुत वास्ट एम्पायर था. वो जो एम्पायर था उनका वास्ट एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था, जो कहाँ से कहाँ तक था, बंगाल में. मतलब अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में बंगाल से और जो वेस्ट साइड है वहाँ पर गजनी तक. गजनी जो कि अफगानिस्तान में, जिसको गजन भी बोलते हैं वेस्ट साइड में. तो मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक, यहाँ तक कि साउथ में द्राविड़ तक उनका राज्य फैला हुआ था. पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स मीन्स और भी जो रीजन्स हैं वहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट जो लोग रहते थे, जैसे कि गुजरात में, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोडा, ये सारे थे. ये इनकी भी आर्मी होती थी अपनी की आर्मी है वहाँ पर. तो हिस्टोरियंस आगे हम रीड करेंगे. देखिए आप मैप में भी देख सकते हैं ना, ये मैप में आपको वो सारे प्लेसेस बताए हुए हैं जो कि रोमन नंबर में लिखे हुए हैं कि कहाँ पर कौन सा प्लेस था. ओके, नाउ हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे. रिगार्ड दीज एग्जैग्रेटेड क्लेम ऑफ कॉन्क्विस्ट एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. धीरे धीरे क्या था कि सब अपना राज्य फैलाने के लिए, मीन्स अपनी पावर बढ़ाने के लिए क्या करते थे कि छोटे छोटे राज्यों को, रीजन्स को वॉर होता था, फिर उनको जीत लेते थे और उन पर विन क्लेम करते थे, जिस वजह से कि वो उनके पार्ट में आ जाए, मीन्स उनके राज्य में वो जैसे कि अगर कोई मुगल रूलर है तो वो क्या करेगा कि वो अगर दिल्ली पर उसका कैप्चर है तो वो आसपास के और भी इलाके हैं वहाँ पर उन पर उनको भी कैप्चर करने का सोचेगा और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस उसके अंडर में वर्क करें, मतलब कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस उसके कंट्रोल में हों. सो नाउ यहाँ पर हमें एक ये येलो कलर का पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या दिया हुआ है. कि आमिर खुसरो थे 1318 के पोइट थे. वो क्या लिखते थे कि उन्होंने बताया कि बहुत सारी लैंग्वेज थी यहाँ पर, लेकिन जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया हुआ है सिंधी, लाहौरी, कश्मीर, देवसमुद्री, जो कि अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग, जैसे गुजरात में गुजरी बोली जाती थी, आंध्र प्रदेश में तेलंगानी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस थी जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर यूज़ होती थी. बट आमिर खुसरो ने क्या किया कि उन्होंने जो पोइट्स लिखी वो सारी संस्कृत में लिखी, बिकॉज ऑफ कि संस्कृत किसी कहीं की भी लोकल लैंग्वेज नहीं थी और एक सबसे पुरानी लैंग्वेज थी जो केवल ब्राह्मण लोग ही जानते थे. मीन्स एक संस्कृत का एक इम्पोर्टेंस हो गया कि उसको हर कोई नहीं जानता है, उसको केवल ब्राह्मण ही जानते थे, कॉमन पीपल नहीं जानते थे. तो यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में यही दिया हुआ है. चलिए हम आगे रीड करते हैं. बाई 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पजेस डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशन एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक. यहाँ पे आपको बताया है कि 700 के आगे तक जो वो रीजन्स थे ना, जितने भी प्लेसेस थे,
उनकी अलग अलग जियोग्राफिकल और लैंग्वेज, खुद की खुद का कल्चर, सब कुछ अलग अलग था। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9। आप चैप्टर 9 में रीड करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, जैसे साउथ इंडियन लोग हैं, तो साउथ इंडियन लोग हैं उनका खाने का तरीका अलग है, खाने की जो फूड वेराइटी है वो अलग है, उनकी वियरिंग्स अलग है, मीन्स वो क्लॉथ्स हैं वो अलग हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर आपको वही बताया है कि उनकी लैंग्वेज अलग होती है, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस अलग होती हैं वहाँ पर। सो ये हम डीपली चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। देवर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी, देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट, ओकेजनली डायनेस्टी लाइक द चोलास, खलजीज, तुगलक एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वॉज पैन रीजनल स्पेनिंग डाइवर्स रीजन। अभी ये क्या है कि ये सारे आपको जो डायनेस्टी मैंने आपको पहले भी बताया था, डायनेस्टीज़ क्या होती हैं, डायनेस्टीज़ होती हैं कि वंश हम जिसको बोल सकते हैं कि जिसके फादर हैं उनका रूल है। जैसे दिल्ली का अगर मुगल शासक हैं वहाँ पर, वही रूल कर रहे हैं, तो मुगल डायनेस्टी है वो वहाँ पर है, तो उनके फादर फिर उनके बेटे जैसे बाबर, अकबर, हुमायूं ये सारे थे, तो ये मुगल शासक थे जिनका राज्य था, मतलब वही रूलर रहते थे। तो उनका कितने टाइम तक किसका कितना रूलर कितने टाइम तक था, तो वैसे ही आपको यहाँ पे बताया कि अलग अलग जो डायनेस्टी हैं वो अलग अलग टाइम पर थी। जैसे चोला का राज्य अलग टाइम पर था, खलजीज का अलग था, तुगलक का अलग टाइम पर था, मुगल का अलग था, तो वही आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और कंपेयर करने के लिए आपको एग्जांपल के लिए टेबल्स दी हुई हैं जो कि चैप्टर 3 और 4 में है, वो आप देख सकते हैं। और जब हम चैप्टर 3 और 4 पढ़ेंगे तब मैं आपको और बताऊँगी कि किस किसका, जैसे मुगल हैं तो वो 13th सेंचुरी से आ गए थे, 13th सेंचुरी से उनका 18th सेंचुरी तक, उनका 17th तक अच्छा रूलर थे वो, लेकिन 18 तक आते आते वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको वही दिया हुआ है कि जो मुगल एम्पायर था वो 18th सेंचुरी तक आते आते धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था। डिक्लाइन मतलब कि उनका जो कैप्चर है, जो उनकी पावर है, वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसका रीज़न क्या था कि जो लोकल जो रीजनल के स्टेट होते थे, जो उनकी रीजन होते थे, वो धीरे धीरे क्या करते थे, वो वापस से अपना राज्य में खुद ही राज्य करने लगे थे। इस तरीके से जो उनका पान रीजनल था वो धीरे धीरे स्मॉल रीजन में कन्वर्ट होने लगा था और धीरे धीरे उनको डिक्लाइन होने लगे थे। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वर लेफ्ट विद द लीजेंसी ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट दैट हैड रूल्ड ओवर देम। कुछ छोटे स्टेट भी होते थे, कुछ बड़े स्टेट भी होते थे जो कि सब कॉन्टिनेंट में जिनका रीजन्स होते थे और वो रूल करते थे उनके ऊपर। दिस वॉज एपेरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशंस इन द रियल्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलाइट कल्चर एंड लैंग्वेज। पर क्या होता था कि यहाँ पर बहुत सारी डिफ्रेंशिएशंस अगर की हम बात करें, लेकिन फिर भी कि उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, फिर भी वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है, जो इकोनॉमी है, वो मैनेजमेंट है उनका, और एलाइट कल्चर है, वो लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच होती थी, या उनका मीनिंग कहीं ना कहीं वर्ड्स जो थे वो सेम यूज़ करते थे। जैसे लैंग्वेज के लिए मैं बोलूँ तो जंगल वर्ड जैसे होता है, तो जंगल वर्ड क्या होता है कि हिंदी में भी हम जंगल वर्ड बोलते हैं और इंग्लिश में भी जंगल बोलते हैं, और दोनों का मीनिंग सेम है। कई बार ऐसा होता है कि सेम वर्ड का मीनिंग अलग अलग भी होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स थी वो और वो सारे ट्रेडिशनल वो अलग अलग होते हुए भी एक थे। थ्रू द 1000 ईयर बिटवीन 700 एंड 1750 द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। और ये आइसोलेशन में ही ग्रो नहीं हो रहे थे, मीन्स इस जो 1000 ईयर के बीच में जितने भी रीजन्स थे वो सेपरेटली कहीं भी ग्रो नहीं हो रहे थे। आइसोलेशन का मतलब हम सेपरेटली बोल सकते हैं, मतलब सब मिलजुल कर ही ग्रो हो रहे थे। तो रीजन फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेज ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिव, मीन्स विभिन्न हम बोलते हैं ना कि अलग अलग होते हुए भी एक हैं, तो यहाँ पर वही है कि उनका अलग अलग थे वो, लेकिन फिर भी वो एक रीज़न के जैसे जो रूलर थे वो एक रीज़न के जैसे उन पर रूल करते थे, भले ही वो डिस्टिंक्ट होते हैं। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। रिलीजन मीन्स क्या होता है, धर्म होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका अलग अलग धर्म है, वो अलग अलग अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं, अपने अपने गॉड को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, सबकी जो होली बुक्स होती हैं, जो ग्रंथ होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो ओल्ड और न्यू उनमें क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताया हुआ है।
द 1000 ईयर ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजन ट्रेडिशनल पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली. मीन्स पीपल क्या करते थे, डिवाइन, डिवाइन में बिलीव करते थे. डिवाइन मतलब कि एक शक्ति है, कि एक पावर है कोई, जो ऊपर से, मतलब जो किसी को दिखाई नहीं देती, बट उसमें वो बिलीव करते थे कि एक कोई पावर तो है. बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिव, कलेक्टिव बिलीफ इन ए सुपर नेचुरल एजेंसी. रीजनल वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज. एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दिस ग्रुप अल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीफ. मीन्स उस टाइम पर क्या था कि जो लोग थे उनका पर्सनल तो उनका विश्वास था ही, लेकिन उनका एक कलेक्टिव ये भी था कि कलेक्टिव बिलीफ भी था कि हाँ एक ऊपर भगवान है, वो एक ही है. बट सब फिर भी अपना पर्सनली तो मानते ही थे. जैसे हिंदू हैं वो गॉड को मानते हैं, मुस्लिम हैं वो अल्लाह बोलते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म से भी बुलाते हैं और बिलीव करते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंज अकर्ड इन वॉट वी कॉल हिंदुइज्म टूडे. इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुआ वो हिंदुइज्म, जिसको हम आज हिंदुइज्म बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुआ. दिस इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज. मीन्स उस टाइम पर वर्शिप शुरू हुई. वर्शिप मतलब पूजा, कि देवी देवताओं की पूजा, मंदिर बनने लगे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल होने लगा, रॉयल्टी के लिए वो लोग इम्पोर्टेंस देने लगे ब्राह्मण्स को, प्रेसिस्ट मतलब जो उनकी प्रेज करते थे, और डोमिनेट ग्रुप्स इन सोसाइटी, और सोसाइटी में डोमिनेशन डोमिनेट होने लगे वो, कि जो ब्राह्मण हैं उनको ज़्यादा महत्व देने लगे. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. और सोसाइटी में ब्राह्मण को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी बिकॉज ऑफ कि वो संस्कृत जानते थे, और ज़्यादातर जो थे टेक्स वो संस्कृत में होते थे, तो उनको संस्कृत की नॉलेज थी, उनको इसीलिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिलता था. देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन न्यू रूलर्स. मीन्स उनको ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंस मिलने लगी थी क्योंकि जो उनके सपोर्ट में रहते थे, जो रूलर्स होते थे ना, उनकी प्रेज में लिखे होते थे. पैट्रॉन्स का मीन्स हम बोल सकते हैं कि प्रेज में जो वर्ड्स लिखते थे ना, वो पैट्रॉन्स होते थे. पैट्रॉन्स मीन्स कि उनकी प्रेज में लिखे गए कुछ वर्ड्स जो पर्सन है. जैसे यहाँ पे आपको साइड में दिया हुआ है पैट्रॉन्स की डेफिनेशन, एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट पर्सन, अ लर्न्ड मैन और अ नोबल. मतलब ये सारे लोग मिलकर अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो पैट्रॉन कहते हैं. पैट्रॉन्स मीन्स जो प्रेस्टीज प्रेज के लिए, तो ब्राह्मण थे वो, उनको ये सारे सपोर्ट मिलने लगे थे, ये सारे लोग उनको सपोर्ट करते थे. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति. और धीरे धीरे यहाँ पर भक्ति शुरू हो गई थी. धीरे धीरे ये जो भक्ति वाला आइडिया है, मीन्स ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटी, मीन्स हम एक पर्सनली अपने किसी के डाइटी, किसी को अपना डाइटी बनाए, देवी या देवता बनाए, और उसके डिवोटी हों, उसकी भक्ति करें विदाउट किसी प्रसिस्ट और इलेबोरेटेड रिचुअल के. मतलब बिना किसी कोई पुजारी या कोई भी है ना रिचुअल की, अपना कोई स्पेशल माने ऐसा. यू विल बी लर्न अबाउट दिस इन अदर ट्रेडिशनल इन चैप्टर 8. आप चैप्टर 8 में भक्ति के बारे में और डीपली रीड करेंगे. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वेन न्यू रिलीजन अपियर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. मर्चेंट्स एंड माइग्रेट फर्स्ट ब्रॉड द टेक्नी टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडियन इन द 17th century. मुस्लिम रिगार्ड टू द कुरान एज देयर होली बुक एंड द एक्सेप्ट ऑफ द सोवेरिटी ऑफ द गॉड अल्लाह हुज लव मर्सी एंड बाउटी एम्ब्रेंस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड. मीन्स यहाँ पर आपको बताया है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि मर्चेंट्स है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगे थे कि होली कुरान, मीन इंडिया की जो सेवन्थ सेंचुरी थी उस टाइम पर इंडिया में होली कुरान, मतलब होली एक पवित्र ग्रंथ बोलते हैं ना पवित्र, तो कुरान जो कि मोमडन्स मुस्लिम्स के लिए होता है, मुस्लिम के लिए, तो उस टाइम पर क्या था कि वो लोग कुरान में बिलीव करने लगे थे, उसको होली बुक की तरह एक्सेप्ट कर लिया था कुरान को, और वो बोलते थे कि जो गॉड है उसको अल्लाह के नाम से बुलाते थे ना, और उनकी बोलते थे कि ना जो भी अल्लाह पर बिलीव करता है उनको उसकी अल्लाह की लव मर्सी और बाउंटी मिलती है. मतलब उसको अल्लाह का दया प्यार और जो भी उनमें विश्वास करते हैं उसको भगवान से ये सारी चीज़ें मिलती हैं. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है कि जैसे हिंदुज्म और इस्लाम्स वॉज इंटरप्टेड इन द वेरे
वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर। तो क्या हुआ कि हिंदुइज्म और इस्लाम में अलग अलग फॉलोअर्स होने लगे और वो विश्वास करने लगे। जैसे मुस्लिम में सिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम के बारे में दिया हुआ है कि सिया मुस्लिम जो थे वो मोहम्मद के सन इन लॉ अली जो थे उन पर बिलीव करते थे और उनको एज ए लीडर उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी का बनाया। किसने? सिया मुस्लिम ने। ऐसे ही सुन्नी मुस्लिम थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खलीफाज थे उनको एज ए लीडर माना था। तो यहाँ पर खलीफाज की सक्सेस का भी रीज़न था वो कौन थे? सुन्नी मुस्लिम्स थे। तो यहाँ डिफरेंस आपको दिया हुआ है कि मुस्लिम्स हैं उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं कि सुन्नी मुस्लिम सिया मुस्लिम। ओके नाउ हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है कि पुराने टाइम के बारे में आपको ऐसा दिया है कि थिंकिंग अबाउट टाइम, मतलब आप टाइम के बारे में सोचो और हिस्टोरिकल टाइम के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे दिया हुआ है कि उस टाइम पर आवर्स डेज और अगर हमें टाइम का पता करना है तो क्लॉक या कैलेंडर तो नहीं होते थे, बट हिस्टोरियंस वो एक आइडिया ही लगाते हैं। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो टाइम के साथ में इकोनॉमिक चेंजेस जो भी चेंजेस होते थे वो सारे आपको टाइम के साथ में रिफ्लेक्ट होते हैं सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में। इन द प्रसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़, धीरे धीरे जो आइडियाज़ हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना, बिलीफ का चेंजेस होना और टाइम की स्टडी के बारे में यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि पीरियड्स दैट पोसेस शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइम के साथ में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको बताई हुई हैं। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्टोरी ऑफ इंडिया इनटू थ्री पीरियड्स। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, मतलब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे वो उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को, इंडिया की हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, तीन पार्ट में उन्होंने, तीन पीरियड्स में डिवाइड किया, सॉरी तीन पीरियड्स मतलब हिंदू पीरियड मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। दिस डिवीज़न वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर वॉज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन द इकोनॉमी सोशल और कल्चर। सच अ डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर उन्होंने जो डिवाइड किया था वो उन्होंने एक उसके हिस्टोरिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया था कि हिंदू का जिस टाइम पर राज्य है तो वो उन्होंने हिंदू टाइम दे दिया, मुस्लिम का है तो मुस्लिम का पीरियड बना दिया और ब्रिटिश का है तो ब्रिटिश के टाइम पीरियड का बना दिया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। नाउ फ्यू हिस्टोरियंस जो थे ना वो पेरियोडाइजेशन फॉलो कर रहे थे, मीन्स कुछ जो हिस्टोरियंस थे वो फॉलो कर रहे थे पेरियोडाइजेशन को। मोस्ट लुक एट इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज टू द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट। द हिस्टोरियंस यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज, हंटर गैदर, अर्ली फार्मर, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड प्लेसेज एंड अर्ली एम्पायर्स एंड द किंगडम। मतलब हम सिक्स स्टैंडर्ड में, लास्ट ईयर का मतलब है यहाँ पर आपको सिक्स स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं जैसे कि हंटर गैदर के बारे में, मतलब शिकार करना इकट्ठा करना वो लोग होते थे सोसाइटी में। अर्ली ह्यूमंस में कौन कौन से होते थे, जो अर्ली सोसाइटी में जो लोग रहते थे ना उनके बारे में बताया है कि वो हंटर गैदर होते थे, फार्मर्स होते थे उनके बारे में पढ़ा हमने, जो टाउन्स और विलेजेस में रहते थे वो लोगों के बारे में पढ़ा, एम्पायर और उनका किंगडम मतलब उस टाइम पर जो रूलर्स होते थे उनका किंगडम होता था उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। द हिस्टोरीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज मेडिवल्स। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज, द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन। तो अभी जो आप पढ़ोगे ना वो मेडिवल के बारे में पढ़ोगे, मतलब मिडिल हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ तो मिडिल हिस्ट्री के बारे में, जिसमें पीजेंट की जो सोसाइटी है, पीजेंट मतलब फार्मर्स, वो कैसे उनका जो स्प्रेड है मतलब वो फैले सोसाइटी में कैसे, इम्पीरियल स्टेट कैसे फॉर्मेशन हुए, समटाइम जो कॉस्ट ऑफ पेस्ट्रोल और फॉरेस्ट पीपल थे उनके डेवलपमेंट के बारे में, हिंदुइज्म और इस्लाम के जो मेजर जो रिलीजन थे ना हिंदू और इस्लाम वो कैसे अराइव हुए, यूरोपियन ट्रेडिंग के कंपनीज़ के बारे में कि जो ब्रिटिश लोग थे ना यूरोपियन ट्रेडिंग, यूरोपियन बोलते हैं जिनको हम, उन कंपनियों का कैसे अराइव हुए मतलब वो कैसे आई इंडिया के अंदर। तो दिस थाउजेंड ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेसेस कंसिडरेबल चेंजेस। तो ये जो थाउजेंड ईयर की जो हिस्ट्री है ना ये इंडिया के अंदर जितने भी चेंजेस हैं उसकी विटनेस्ड है, उसकी गवाह है। आफ्टर ऑल द 16th एंड द 18th सेंचुरीज वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और द 11th।
मीन 16th और 18th सेंचुरी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है 8th या 11th सेंचुरी से. देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम. मोरओवर द मेडिवल पीरियड ऑफ इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड. मीन्स अगर हम बात करें कि जैसे कि ये जो हम पढ़ेंगे वो मिडिल हिस्ट्री है और जो कि मॉडर्न पीरियड से थोड़ी सी अलग है. मॉडर्निटी कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट. मीन्स जो मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम पढ़ेंगे कि मटीरियल प्रोग्रेस के बारे में, इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटली जो एडवांसमेंट हुए थे वो उसके बारे में. दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वॉज लैकिंग इन एनी चेंजेस व्हाटएवर. बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वॉज नॉट द केस. मतलब कि उस टाइम पर भी जो क्या कमियाँ थी उनके बारे में, फिर उनके अंदर क्या चेंजेस हुए, तो मिडिल हिस्ट्री में हम वही पढ़ते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से अलग होगी. ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म ऑफन द इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन रीचेज अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. मीन्स अगर हमने पढ़ा हो कि पहले हमारी इंडिया जो थी ना वो सोने की चिड़िया बोलते थे उसको, अगर आपने कभी सुना हो तो उसका रीज़न क्या था कि जो हमारी इंडिया थी मीन्स हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था वो इकोनॉमिक में बहुत स्ट्रांग था, तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इसीलिए अट्रैक्ट हुई. क्यों अट्रैक्ट हुई? क्योंकि उनको लगता था कि इकोनॉमी के लिए मनी के टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, तो क्यों ना वहाँ पर ट्रेडिंग की जाए जिससे कि वो मनी ज़्यादा अपनी जैसे हम इनकम बोल सकते हैं वो ज़्यादा कर सकें. एज यू रीड दिस बुक लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोग्रेस एट वर्क. ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर दैट यू रीड इन दिस बुक विद वॉट यू रीड लास्ट ईयर, लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटी वॉट एवर यू कैन एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी वॉट एल्स हैड चेंज और रिमेंड द सेम. मीन्स यहाँ पे आपको वही बताया है कि जो हिस्ट्री में आपने जो लास्ट ईयर पढ़ा और अब की हिस्ट्री है, अगर अब वो आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो कंटिन्यू रहीं, और भी हम हमारे वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें देखते हैं क्या चेंज हुए हैं, क्या हैं जो चेंज नहीं हुए हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. सो यहाँ पर आपका चैप्टर कम्प्लीट होता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच.